भाई कौन हो आप? हाँ तो आप लोग इनको जानते हो, हमारे काफ़ी सारे वीडियो में आ चुके थे भाई काफ़ी दिन से। ये एक्चुअली रहते हैं अहमदाबाद और मैं रहता हूँ बड़ौदा। आज मिलने फिर से आ चुके हैं और आज हमारे वीडियो में, पूरे वीडियो में ये हमारा साथ देने वाले हैं। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो मैंने 2-3 दिन पहले स्टोरी रखा था, हमारी जो बिन्नी है, जो मेरे पास रैबिट है, वो थोड़ा बीमार हो गया था और मैंने मेरे से गलती क्या हो गई थी कि मैंने उसका फोटो मेरे साथ रखा था कि मिस यू ऐसा लिख दिया था। तो काफ़ी लोगों ने ऐसा समझा था कि वो शायद उसकी शायद डेथ हो गई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो थोड़ी सी बीमार हो गई थी और मैं बहुत ज़्यादा पैनिक हो गया था कि मुझे लगा कि शायद उसको क्या हो गया, और पूरा मतलब वो चल फिर नहीं रही थी, मतलब उसकी हालत बहुत ख़राब थी। फिर एक मेरा फ्रेंड है, यूट्यूब पर वीडियो बनाता है रैबिट पर, उसको कॉन्टैक्ट किया, उसने मुझे जो जो बताया वैसा वैसा मैंने किया और अभी वो बिल्कुल ठीक है। तो मैं अभी आपको फटाफट मिलवाता हूँ उसके साथ। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो अभी तक नहीं किया तो ये मेरा साइड में यूज़र आईडी देख सकते हैं, आप फॉलो कर सकते हो और सौरव को भी फॉलो कर सकते हो। तो सौरव का भी मैं साइड में दे दूंगा, आप देख सकते हो। तो जैसे कि आपको पता है कि जो रैबिट होता है ना, वो पूरे दिन आराम करते हैं, मतलब पूरे दिन वो कोई एक्टिविटी नहीं करते। जैसे मॉर्निंग में वो फुल पावर में होते हैं और रात को फुल पावर में होते हैं। तो अभी वो हमारी बिन्नी जो है वो पूरा दिन हमारे मंदिर में सोती रहती है। तो फटाफट चलते हैं बिन्नी के पास, अभी जग रही है, मिलवा देता हूँ आपको, फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये आप देख सकते हो हमारा बिन्नी का जो पूरा खाना है, ये पूरा घास है, पता नहीं ये कितने साल में ख़त्म होगा। थोड़ा 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 खाती है और ये उसके लिए हम लोग ये कुछ पालक और ये सब्जी रखते हैं वगैरह रखते हैं। और ये हमारा मंदिर है, ये पूरा मतलब मंदिर वाला रूम है। तो यहाँ पे हमारे भगवान जी है, तो भगवान जी का भी दर्शन कर लो। काफ़ी सारे लोग जो मेरे सिंधी लोग हैं वो लोग जानते हैं। तो हमारी बिन्नी दिखाता हूँ आपको, ये रही हमारी बिन्नी। तो ये पूरा दिन मतलब यहाँ पे बैठी रहती है, ये पूरा दिन यहाँ पे बैठी रहती है। देखो अभी मैं इसको हाथ लगाऊंगा तो वो मुझे नहीं आने देगी। देखो वो मतलब मुझे मना करती कि मुझे यहाँ से मत उठाओ, मुझे यहाँ पे सोना है। इसको बाहर निकल, देखो ये बाहर नहीं आएगी अभी, तो शायद ये नाइट नहीं दिख रहा होगा आपको सही से। ये बाहर आ गई है, देख सो, ये हमारी बिन्नी है। इसको मतलब यहाँ बैठना अच्छा लगता है। देखो फिर से अंदर चली गई। तो जैसे कि दोस्तों आप सबने पहले मेरी जो वीडियो देखी थी इनकी, जो मैंने हीरा मोती का जो वीडियो बनाया था, आपने वीडियो का टाइटल देख के आपको पता चल गया होगा कि मैं किस पे वीडियो बनाने वाला हूँ। तो मैं फिर से आ गया हूँ तनशाल। पहले वाली वीडियो बनाई थी उसमें मैंने काफ़ी कुछ दिखाया था, लेकिन काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट किया था कि उस वो जो टॉपिक है उस पर पूरी डिटेलिंग वीडियो बनाओ। तो आज हम लोग फिर से आ गए हैं हीरा मोती में। तो आप यहाँ पे आओ तो सुनील भाई भी मिल जाएंगे और ललित भाई भी मिल जाएंगे। पहले जो आपने जो शॉप देखा था वो वैली का बाहर की साइड में शॉप है, पहले हमने उस पे वीडियो बनाया था, अभी हम लोग अंदर वाली शॉप पे। तो आप देख सकते हो कितना सारा क्वांटिटी है इनके पास, नहीं है ये सब मोती है, अलग अलग टाइप के मोती है, कलर्स। और आप अंदर आ जाओ, मैं दिखा रहा हूं इनका पूरा। ये देखो यहां पे आप देख सकते हो, यहां पे पूरा ये मटेरियल पूरा, यहां पे वजन वगैरह होता है, यहां पे पैकिंग होता है। ये सब देख सकते हो आप, पूरा मोती मोती है यहाँ पे। देखो ये डायमंड की वैरायटी, काफ़ी सारी इनके पास वैरायटी है, पूरा मतलब आपको जो भी चाहिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और तोरण का मटेरियल, हैंडीक्राफ्ट का मटेरियल, अगर आप अपने घर पे ज्वेलरी बना रहे हो, छोटी मोटी आप इयरिंग्स बना रहे हो, या कोई कुछ भी आपको छोटे छोटे मटेरियल चाहिए आपको यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। तो ये हमारे ललित भाई जो यहाँ का पूरा हैंडल करते हैं, कैसे हो ललित भाई? तो ये हमारे यूट्यूब के हीरो हैं, काफ़ी सारी इनकी वीडियो आ चुकी है। ललित भाई थोड़ा थोड़ा फटाफट दिखा दो क्या क्या है अपने पास, ठीक है? देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये वेलवेट बॉल है, फिर ये डिलक्स है, ये ज्वेलरी में यूज होता है, लटकन में यूज होता है, तोरण में यूज होता है। ये डल बोलते हैं इसको, ये मतलब सस्ती वैरायटी का प्रोडक्ट है ये। अच्छा, इसमें वो छोटे छोटे से हैंगिंग वगैरह बनाते हैं, तोरण बनाते हैं, उसमें यूज होता है वगैरह, वो सब बनता है इससे। अच्छा, और क्या क्या है? और ये सब डिजाइन है इसमें, मेरे पास कम से कम 2000 डिजाइन है। और फिर बाद में ये बॉल्स मिल जाते हैं रेड ग्रीन, इसमें ओनली रेड ग्रीन अवेलेबल रहता है, केजी पर आता है ये आइटम्स, और लटकन तोरण में यूज होता है। अच्छा, ये जो वैरायटी है सब केजी पे आता है? ये सब अगर आपके पास कोई कस्टमर आता है तो आप 100 ग्राम 200 ग्राम दे देते हो निकाल के?
सर ये शॉप पे 200 ग्राम 100 ग्राम नहीं मिलेगा, इसके लिए अपने पास रिटेल की शॉप है। अच्छा, जो बाहर वाली जो हमने पहले वीडियो बनाई थी, तो गाइस आपने अगर पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो मैं साइड में स्क्रीन देख सकते हो, वो वाली वीडियो आप नीचे जाके लिंक में क्लिक करके देख सकते हो, मैं इसका लिंक दे दूंगा। वहाँ पे आपको 100 ग्राम 200 ग्राम 50 ग्राम भी आपको वैरायटी मिल जाएगी। यहाँ पे पूरा इनका होलसेल का है। पत्रे में हमारे पास कम से कम 1000 वैरायटी मिल जाएगी, इसमें आप देख सकते हो। वाओ, ये देखो गाइस, ये किसमें काम लगते हैं रजत भाई? ये सब डेकोरेशन की, दिवाली की जो प्लेट पे नहीं बनती इसमें यूज। अच्छा, ये मटन में यूज होता है। ओके, ये पत्रे आप देख सकते हो, पत्रे का मटेरियल है पूरा। इसमें भी इनके पास काफी, कितनी वैरायटी है इसमें आपके पास? इसमें आपको 1000 और 45 वैरायटी मिल जाएगी। तो टोटल सब कुछ स्टॉक में रहता है आपके पास? स्टॉक में रहता है सब कुछ। अच्छा, और ये कैसे मिलता है? पर पीस पे मिलता है, केजी पर मिलता है? सब कुछ केजी पे मिलता है। ठीक है, तो और क्या है आपके पास मटेरियल में? और मटेरियल में बीट्स वगैरह मिल जाएगा, ये आपको जो भगवान के हार वो सब बनाते हैं उसमें यूज होता है। अच्छा, डिलक्स की आइटम है। और फिर पल में आप समझ लो तो पूरी दुनिया है पल की। तो अच्छा, ये पूरा आप देख सकते हो, पूरा ये पूरा का पूरा इनका जो गोडाउन है पूरा मोतियों से भरा हुआ है। पल सैंपल सैंपल इनके स्टॉक ऊपर। अच्छा, इनका पूरा देख सकते हो कितना सारा स्टॉक है यहाँ पे। मोती में आपको हर तरह की वैरायटी मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पे आप आओगे अगर इनकी अंदर वाली शॉप पे आओगे तो यहाँ पे आपको पूरा पैकेट लेना पड़ेगा। इनका जो बाहर वाला शॉप है उसका मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो में लिंक दे दूंगा, आप देख लेना। नहीं देखा तो आपको आई बटन में भी आ रहा होगा और साइड में भी स्क्रीन आ रही होगी। ललित भाई, और क्या वैरायटी है आपके पास? और फिर बाद में चाइना में आ जाते हैं तो फिर आपको चाइना बिट्स भी मिल जाएगा ये वाले। इसमें भी आपको राउंड में हर डिजाइन मिल जाएगी और ओवल में सूजनी है वगैरह वो सब मिल जाएगा। मतलब इसमें भी बहुत सारी वैरायटी है। और हमारे पास रेशम में भी बहुत सारी मिल जाएगी, ये इसको टैसल्स बोलते हैं। इसमें भी 3 वैरायटी आती है, छोटा बड़ा और मीडियम। कलर कितने? कलर टोटली कलर होगा आपको 40 कलर अवेलेबल रहेगा। 40 कलर तो कलर ये सब आप देख सकते हो, यहाँ पे पूरे कलर यहाँ पे अवेलेबल है इनके। 40 कलर पूरा है यहाँ पे। ये किसमें काम लगता है? मतलब ये सब लटकन में और ज्वेलरी में यूज होता है। अच्छा, तो आप ये मतलब कितने पीस है अंदर इसमें? 100 पीस है एक बंच में। 100 पीस, ये कितने का आता है? मतलब ये लगभग अप्रोक्सिमेट प्राइस रहती है इसकी 60 रुपीज। 60 रुपीज, अलग अलग प्राइस रहता है इसमें, छोटे बड़े बहुत सारे आते हैं। ये आपको वुडन के आइटम देखा तो आप इसमें देखो, ये प्लास्टिक वुडन बोलते हैं इसको, मतलब टीटी की आइटम है। ये सब राखी में और लटकन में यूज होती है और बहुत ही सस्ती वेरायटी, बहुत ही सस्ती आइटम है, खूब चलती है ये, मतलब बहुत बढ़िया है। फिर बाद में ओरिजिनल वुडन में आ जाते हैं, ये चाइना के वुडन है। और नहीं, वुडन मतलब वुडन के मोती, सब कुछ वुडन के मोती, सब वुडन का ही, पूरा ओरिजिनल लकड़ा। आप फाड़ोगे ना एकदम वुडन की स्मेल भी आएगी। अच्छा, और इसमें आपको साइज मिल जाएगी, वैरायटी मिल जाएगी, डिजाइने मिल जाएगी। ये पूरा कलरफुल है ना? कलरफुल एकदम, और मतलब बहुत सस्ता आता है। वैसे किलो पे आता है ये भी? सब केजी पर आता है पूरा। अगर आप लोग अहमदाबाद में रहते हो, अगर आप अहमदाबाद के आसपास के एरिया में रहते हो तो आप यहाँ पे आसानी से आ सकते हो। लेकिन अगर आप पूरे इंडिया में कहीं से भी आते हो तो ये जो इनकी जो शॉप है ना, ये ऐसा समझ लो कि अहमदाबाद तंचाल की सबसे बड़ी शॉप है बीट्स में। यहाँ पे आपको कहीं और जाना नहीं पड़ेगा, यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, छोटी से लेके मतलब बड़ी से लेके सब चीज़। और यहाँ पे कैसा है कि इनका सिस्टम कैसा है कि अगर इनके पास कोई चीज़ नहीं है तो आपको सेटिंग भी करके देते हैं, यानी सेटिंग मतलब आपको मंगवा के भी देते हैं। तो ऐसा समझ लो कि अगर आप मटेरियल के लिए आ रहे हो अहमदाबाद में तो आप इस शॉप पे ज़रूर विज़िट करना। और मतलब सब कुछ चीज़ें आपको यहीं पे मिल जाएगी मटेरियल के रिलेटेड, ज्वेलरी मटेरियल हो, तोरण हो, हैंडीक्राफ्ट हो, आप घर पे कुछ भी डिज़ाइन करते हो या आर्ट वगैरह करते हो, कॉलेज में पढ़ते हो, आपको सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक था। मैं आपको बता दूंगा यहाँ पे अगर आपको आना है तो यहाँ का जो कॉन्टैक्ट नंबर है, एड्रेस है अहमदाबाद, इनका पूरा का पूरा एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और कभी भी आप आ रहे हो, अभी क्या थोड़ा माहौल ऐसा चल रहा है इसलिए आप कभी भी आओ तो इनको कॉल करके ज़रूर आना। तो इनका जो कॉन्टैक्ट नंबर है, पहले वाला जो वीडियो में मैंने जो कॉन्टैक्ट नंबर डाला था उसमें काफ़ी सारी कंप्लेंट थी कि आप लोग फ़ोन नहीं उठा रहे हो, लेकिन इसमें हम लोग 2-3 नंबर और डाल देंगे। तो अगर आपको आना हो तो एक बार कॉन्टैक्ट करके ज़रूर आओ, यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो वीडियो को यहीं पर ख़त्म करता हूँ, मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। जय हिंद। इनमें डस्ट होती है तो वो निकल के मतलब अपने बॉडी पे हो गए तो वो खुजली करेगा, इसलिए लटकन में यूज होता है। 3 मिनट का इसका ही वीडियो बनाएगा, डस्ट होता है ना, खुजली होती है।